हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं, वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में क्या बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी बात करते हैं और आपके बारे में सोचते क्या है आपके पीठ के पीछे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जनरल टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग उसी तरीके से लेना, और हर एक बात आपके लिए नहीं होगी तो दिल पे नहीं लेना है। ठीक है। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी कार्ड्स मुझे दिख रहे। वाह, इतने अच्छे ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, मैं देख के एटलीस्ट खुश हूँ कि ये पर्सन आपके पीछे एटलीस्ट आपका तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या बेसिकली दिख रहा है, ऑल साइन है यहाँ पे। बाकी बता देती हूँ, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइस आया है, एरी सजिटेरियस लियो आया है। ठीक है, बाकी जमना एक्वेरियस लिब्रा तो वैसे भी सबके लिए है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को बोलते हैं कि आप उनको अनकंडीशनल लव करते थे। वो कोई भी नया पर्सन को मिलते हैं, कोई भी नया इंसान को मिलते हैं, वो उसको बिल्कुल भी बताने में देर नहीं करते हैं कि हाउ मच दिस पर्सन लव्स यू और हाउ मच दिस पर्सन लाइक्स यू, और आप उनको कितना पसंद करते थे और आप उनको कितना ज़्यादा सराहते थे। ठीक है, तो ये बड़ा खुश होके लोगों के सामने ये चीज़ को बोलते हैं, ये बात को बोलते हैं, और जो कि मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छा दिख रहा है। उनको डेफिनेटली बोलना चाहिए, उनको डेफिनेटली चीज़ें, क्योंकि आप रियलिटी में भी वैसे ही हो, तो क्यों ना वो लोगों को बोले। तो वो बोलते हैं कि आप कितना उनको प्यार करते हो और आप कितना ज़्यादा जो है उनके लिए आप चीज़ें करते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो लोगों को बोलते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग माइंड के इंसान हो। ठीक है, एक होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ भी सिचुएशन हो जाए वो लोग हारते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये बहुत खुश होके बोलते हैं, लोगों को बहुत मतलब अच्छे से बोलते हैं कि देखो वो पर्सन ऐसा है कि वो कभी भी मुझे छोड़, मतलब ये कि मैंने जो कुछ भी उसके साथ किया हो उसने अपने माइंड को जो है वो कम नहीं करा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड पर्सन बना रहा। और वो तारीफ करते हैं आपकी किस तरीके से, सिर्फ उनकी बात नहीं, इन जनरल इन लाइफ आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको है आपके ऊपर, इनको नाज है कहीं ना कहीं आपके ऊपर, इनको एक प्राउड भी फील होता है कि आप इस तरीके से हो, आप ऐसे इंसान हो। क्योंकि एक चीज़ होती है कि आजकल की दुनिया में कोई किसी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, कोई कुछ किसी के लिए इतना स्टैंड नहीं लेता है। तो आजकल की दुनिया में आपने इम्पोर्टेंस दिया है, आपने इनके लिए स्टैंड लिया है और आपने इनके लिए काफ़ी कुछ किया है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो वो जो है बहुत स्ट्रॉन्गली मानते हैं इस चीज़ को। ठीक है कि हाँ, आप उस तरीके से इंसान हो, बहुत एडजस्टिंग नेचर वो आपका मानते हैं कि आप चीज़ों को लेके बहुत एडजस्ट करते हो, आप उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट करते हो, आप घर पे लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट करते हो, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से देखते हो, फैमिली को बहुत अच्छे से संभालते हो। ठीक है, मुझे इस तरीके से दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप हर एक पर्सन को बांध के चलते हो, साथ में लेके चलते हो, जिस चीज़ के वजह से इनको बहुत अच्छा लगता है कि आपका पर्सनालिटी ऐसा है। और कोई भी अगर आपको नहीं जानता है, आपके बारे में कुछ भी बोलता है, तो वो डेफिनेटली उसको बोलते हैं, देखो तुम्हें पता नहीं है उस इंसान के बारे में, तो अगर तुम्हें नहीं पता है तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को पता है आप अपनी फैमिली को कितना इम्पोर्टेंस देते हो। ठीक है, आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ को, आप फैमिली
लेगेसी को आगे लेके चलते हो। जैसे उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि कुछ भी हो जाए आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। कुछ भी हो जाए आप सक्रिफाइसेस करोगे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, कभी भी तिकड़मबाजी नहीं करोगे। तो आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे आपके पर्सन के हिसाब से आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, जो फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, जिसके लिए फैमिली बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको फैमिली बहुत पसंद है, ठीक है, और जो अपनी फैमिली के खातिर उनको भी छोड़ने के लिए रेडी है। और मुझे लगता है यहाँ पे कि आप शायद एक अच्छे परिवार से आते हो जिनके पास फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है, तो ये पर्सन लोगों के सामने वो भी बोलते हैं कि मुझसे ज़्यादा शी इज़ फाइनेंशियली गुड, वो अच्छा खासा सिचुएशन लाइफ में देख रहा है या फिर देख रही है, ठीक है। तो वो आपको लेके बोलते हैं, और स्पेशली जो वर्गो एनर्जी होती है, आप हो सकता है कि आप बहुत नीट एंड क्लीन हो। वर्गो एनर्जी जिन लोगों की होती है उनकी एक खासियत होती है, वो लोग बड़ा ही नीट एंड क्लीन होते हैं, ठीक है, और परफेक्शन। तो हो सकता है कि चाहे आप वर्गो हो या ना हो, वो आपकी बर्थ चार्ट पे कहीं पे भी वो वर्गो कन्या राशि बैठी हुई है, तो आपके अंदर शायद वो चीज़ है। और डिटेल माइन्यूट चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो, ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप किस तरीके से डिटेल्ड चीज़ों को, माइन्यूट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, और किस तरीके से जो है चीज़ें चीज़ों को करते हो, ठीक है। तो उस चीज़ में मुझे ये पर्सन काफ़ी जो है दिख रहे हैं, जैसे बहुत अटेंटिव है। आप जो भी चीज़ों को अटेंटिव अटेंशन देते हो वो जान जाते हैं, ठीक है, कि आपके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ये पर्सन इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ये काम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी पीठ के पीछे तो मुझे इनका आपको लेके जो भी थॉट है ना, मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव आपको लेके इनका थॉट प्रोसेस अच्छा है, आपको लेके इनका ऐसा है कि आई एम हैप्पी, ठीक है, कि ये इंसान ऐसा है, आई एम हैप्पी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको ये फील होता है कि आप ना बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हो और बहुत जल्दी ठंडा हो जाते हो, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, आप उस तरीके के इंसान हो। आपके अंदर दोनों आत्मा जैसे बैठी हुई है कि आप कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हो, कभी कभी बहुत ठंडा हो जाते हो। ये लोगों को बोलते हैं कि वो थोड़ी टेम्परेट है, तो उसके साथ थोड़ा सा अच्छे से डील करना। वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो जल्दी पैनिक हो जाता है, या फिर पैनिक हो जाती है, इम्पल्सिव नेचर का है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में वही चीज़ बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं लोगों के सामने, कि उसके साथ अच्छे से डील करो, उसको गुस्सा होके मत बोलो। कोई भी अगर आपको उस तरीके से बोलता है तो उनको कहीं ना कहीं एक फील होती है कि नहीं यार, तुम दिल से अच्छे हो, तुम सडन गुस्सा कर जाते होंगे, बट एज ए ह्यूमन बींग तुम दिल से काफ़ी अच्छे हो, तुम मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि कमिटमेंट का इशू आपकी तरफ से है, मतलब आप कमिटमेंट तो देना चाहते हो, लेकिन हो सकता है आप ही के फैमिली की तरफ से कुछ इशू हो गया, या फिर आप ही की तरफ से कुछ इशू हो गया है, तो बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, या फिर ये पर्सन खुद बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। तो लोग अगर उनको पूछते हैं कि क्यों वो तुम्हारे पास नहीं आ रही है, या फिर क्यों वो बात नहीं कर रहे हैं, तो वो क्लियरली बता देते हैं मेरी ही गलती थी, मैं ही हमेशा ऑन एंड ऑफ करता था, मैं ही कमिटमेंट नहीं देता था या फिर देती थी, मेरी वजह से ही चीज़ें बहुत ख़राब होता था या फिर होती थी, तो ये मेरी फॉल्ट है, मेरी फॉल्ट की वजह से ये इंसान मुझसे दूर है, उसका कोई गलती नहीं है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे टू ऑफ कप्स के साथ लग रहा है कि ये आपके साथ रह के ना उनको वो एक चीज़ समझ आ गई है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलमेट, ठीक है, म्यूचुअल लव क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लव क्या होता है। कहीं ना कहीं जो है आपके पार्टनर
समझ चुके हैं, आपके साथ रह रहे के वो चीज़ समझ चुके हैं। आपने जिस तरीके से इनको प्यार दिया था, शायद ही इनको कोई और पार्टनर देगा, फैमिली तो देगी, ठीक है। आप फैमिली को तो नहीं बोल सकते हो, मदर एंड फादर, फैमिली मदर एंड फादर, ठीक है, वो लोग तो देंगे, लेकिन उनके अलावा अगर कोई एक ट्रू जेन्युइन लव उनको दिया था, आप हो, और देर सवेर ही सही उनको समहाउ चीज़ें समझ भी आ रही है, ठीक है, कि देर सवेर ही सही लाइक ये इंसान ने मुझको बहुत प्यार दिया है और बहुत जेन्युइन प्यार दिया है। कहीं ना कहीं ये लोगों के सामने बोलते हैं कि जो प्यार है, जो प्यार उसका था, मतलब आपका जो प्यार था या फिर थी, वो बड़ा ही जेन्युइन एंड प्योर था। आपने कभी भी प्यार के बदले कुछ बहुत चीज़ें डिमांड नहीं की। आपका जो था कि मुझे टाइम दो, मुझसे बात करो, मेरे से इमोशनल कनेक्शन महसूस करो, आपका यही डिमांड था। आपने कभी भी कोई हायर डिमांड रखी ही नहीं। तो देर सवेर उनको वो चीज़ तो समझ आएगी ना कि ये इंसान इस तरीके से था, उसको सिर्फ मुझसे इमोशनल कनेक्शन चाहिए था, उसका कोई एक्स्ट्रा डिमांड वगैरह नहीं था। तो ये लोगों को बोलते हैं, और वो लोगों को ये भी बोलते हैं कि जिस तरीके से आपने उनको प्यार दिखाया है, शायद ही कोई और उनको उस तरीके से प्यार दिखाएगा। समझने की बात तो बहुत पीछे आती है, प्यार दिखाना, प्यार जताना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो शायद ही उनको लाइफ में कोई इसी तरीके से प्यार दिखाना, इसी तरीके से प्यार जताना मतलब करेगा, ठीक है। तो आई थिंक मेरी नज़र में ये आपको दूसरे लोगों के सामने काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी प्यार की सलामी, आपकी प्यार की शाबाशी देते हैं। आपका प्यार इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपका लव इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कि आपकी पर्सन जो है, क्या अभी भी आपको मिस करते हैं, क्या ये पर्सन अभी भी आपको बहुत मिस करते हैं। क्वेश्चन का आंसर, क्या ये पर्सन अभी भी आपको बहुत मिस करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, यस, बहुत ज़्यादा ही आपको वो मिस करते हैं। कप्स का कार्ड आया है, देख सकते हो, रोमांटिक प्रपोजल लिखा हुआ है, फ्लर्ट लिखा हुआ है, चार्मिंग लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, स्पेशली आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आप बहुत अगर ऐसे मतलब फन फन की फन लविंग टाइप के पर्सन हो, तो वो चीज़ को ये आपके पार्टनर बहुत याद करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी मिस करते हैं। लेकिन एक होता है ना कि आप में उनको वही चीज़ पसंद आती है, एक फंकी फन लविंग फन साइड पर्सन। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपकी वही चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है, वही जो फंकी टाइप का पर्सन, फन लविंग टाइप का पर्सन, वही चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा याद आती है। क्या वो अभी भी आपको प्यार करते हैं? क्या वो अभी भी आपको प्यार करते हैं? सिक्स ऑफ कप्स, अभी भी आपको प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपको रीडिंग देख के लगे कि पता नहीं कैसे आ रहा है, आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे तो ऐसी कोई बात है नहीं कि मैं पीछे से निकाल के आपको दिखा रही हूँ। जो एनर्जी आएगी वो मैं आपको शो करूंगी। तो डेफिनेटली मेमोरीज ऑफ लव यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी भी वो आपको प्यार करते हैं, अभी भी वो आपके साथ एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील करते हैं, अभी भी आपके साथ वो एक जो पहले स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते थे, अभी भी करते हैं। तो मुझे कोई भी एंगल से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उनका प्यार खत्म हुआ है, या फिर उनका मिस करना खत्म हुआ है, या फिर याद करना आपका खत्म हुआ है। मुझे हर एंगल से चीज़ें ओके ओके ही लग रहा है, ठीक है, अच्छा है, हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज अबाउट रीयूनियन, एंजल्स प्लीज गाइड करें। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मुझे गिविंग की एनर्जी दिख रही है, तो रीयूनियन तो होगा, टाइम लग सकता है। ये इस बार जो रीयूनियन होगा वो इक्वल गिव एंड टेक जब तक नहीं होती है तब तक नहीं होगा, मतलब जब तक उनका माइंडसेट ये नहीं हो जाता है कि मुझे भी उसको उतना ही प्यार देना चाहिए, मुझे भी उसको उतना ही रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, तब तक रीयूनियन नहीं होगा। उसके लिए उनको टाइम लग सकता है, वो टाइम ले सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली मुझे नंबर सिक्स का कार्ड दिख रहा है, तो कुछ गिविंग एंड
रिसीविंग की एनर्जी दिख रही है, तो हो जाएगी रीयूनियन। 6 डेज हो सकता है, 6 मंथ, 6 वीक, रिलेटेड टू 6, बट क्योंकि शुक्र का नंबर है तो कहीं ना कहीं प्यार बढ़ाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे, बाय गाइज।